हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डियर मॉम। गाइस, एक बार फिर से मैं आपके लिए बहुत ही बेहतरीन आइडियाज़ लेकर आई हूँ, 5 वाओ आइडियाज़ लेकर आई हूँ, धमाकेदार इस्तेमाल के वीडियोस लेकर आई हूँ। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आइडिया नंबर 1, पहला धमाकेदार आइडिया, और इतनी अच्छी ये वीडियो है गाइस, स्किप ना करें बिल्कुल भी। सारे आइडियाज़ ही बहुत अच्छे हैं, रीयूज आइडिया है ये। और यहाँ पर हमने शॉपिंग बैग ले लिया है। शॉपिंग बैग ये हमारा थोड़ा कटा हुआ था, लेकिन हम इसको काटेंगे छाटेंगे नहीं, एज इट इज़ यूज़ करेंगे। तो हमने इसको डबल फोल्ड कर लिया है, यहाँ पर आप देख रहे हैं। इसके लिए फिर एक प्लास्टिक की कैन ले लेंगे, या आप कुछ और भी यूज़ कर सकते हैं, गत्ते का भी यूज़ कर सकते हैं इसके लिए। मैंने सोचा चले मैं इसको कुछ ऐसा करती हूँ, तो हम इसको इस तरीके से डाल लेंगे इसमें। और मैंने इसमें जो हैंगर लगाए हैं, हम इसको दूसरे तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमने अपनी वीडियो में बोला है कि हम बिना ग्लू के, बिना कटाई छटाई के, बिना सिलाई के हम कुछ यूज़ नहीं करेंगे। तो इस तरीके से हम इसको ग्लू से चिपका भी सकते हैं, लेकिन मैं नहीं चिपका के दिखाऊंगी, क्योंकि मैं इसको अलग तरीके से बना के आपको दिखा रही हूँ। तो यहाँ पर हम इसको सीधा कर लेंगे, ठीक है। अगर ग्लू से चिपकाएंगे तो सीधा करके चिपकाएं, ताकि ये अच्छा लगे। तो हम इस तरीके से रखेंगे इसमें, और 20 साइड में भी हम शॉपिंग बैग काट करके हम लगा सकते हैं। और इसके बाद हम इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे और पिनअप कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये फिनिशिंग हो गई है इसकी, और दूसरे कॉर्नर पर भी हम उसी प्रकार से करेंगे। इस तरीके से हम फोल्ड करेंगे, फिर फोल्ड करेंगे और फिर पिन करेंगे। और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये हमने तैयार कर लिया है, इसमें हम कुछ भी रख सकते हैं। आप देख रहे हैं ये मैंने यहाँ पर 3 मफरल रखे हैं, और अगर आप हाउसवाइफ हैं या जॉब करती हैं तो आपके लिए ये यूज़फुल होगा कि आप अपने मफरल यहाँ पर रख दें, और जब भी आपको ज़रूरत हो आप उसको इजीली ले सकें, कुछ भी ढूंढना आपको ना पड़े। तो गाइज, ये बहुत ही अच्छा आइडिया है, और जो आगे मैं आपको वीडियोज़ में बहुत ही अच्छे अच्छे आइडियाज़ दिखाने वाली हूँ, तो वीडियो बिल्कुल भी स्किप ना करें, लगातार वीडियो में बने रहें। तो ये ऑर्गेनाइज़र हमारा बन करके रेडी हो गया है, तो आइए चलते हैं। तो दूसरा आइडिया हमारा ये है, सेकंड आइडिया की ओर चलते हैं, और बहुत ही अच्छा ये आइडिया भी है। तो इसके लिए भी मैंने एक शॉपिंग बैग ले लिया है, और ये कोई कटा फटा शॉपिंग बैग नहीं है, और साथ में मैंने एक ले लिया है टॉप। ये मेरे बेबी का टॉप है, गर्ल्स टॉप है ये, और इसमें बहुत ही अच्छा वर्क हो रखा है, वाइट धागे से, मोती से इसमें बहुत अच्छा वर्क हो रखा है, ठीक है। तो ये ख़राब हो जाता है अधिकतर, हम देखते हैं ख़राब हो जाता है, तो उसके लिए मैंने एक शॉपिंग बैग लिया है, और इसको मैंने डबल फोल्ड किया है। डबल फोल्ड करने के बाद किनारे से मैं, सेंटर से मैं सिर्फ 1/2 इंच कट किया है, मैंने होल किया है छोटा सा, और जो बच्चों के हैंगर होते हैं वो ले लिया है मैंने, और इसके बीच से मैं यहाँ पर डाल सकती हूँ, इसके यहाँ मैंने इसको डाल दिया और इसको मैंने हैंग कर लिया, ठीक है। अब हैंग करने के बाद इसको हम क्या करेंगे, ये शॉपिंग बैग में जो हमने छोटा सा होल किया है 1/2 इंच का, इस तरीके से हम हैंगर को इसमें इस तरीके से डाल लेंगे, और इसको हम सेव करके कहीं भी हैंग करके रख सकते हैं। तो आगे मैं वीडियो में दिखाऊंगी इसमें हमें क्या करना है, ठीक है। तो ये हमारा क्लोथ ऑर्गेनाइज़र बन करके हमारा तैयार हो गया है। इस तरीके से हम टॉप्स रख सकते हैं ताकि गंदे ना हो। तीसरा आइडिया की ओर चलते हैं गाइस, और ये आइडिया भी आपको बहुत पसंद आएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं मैंने ये शॉपिंग बैग लिया है, इसको मैंने डबल फोल्ड किया है, डबल फोल्ड करके 1/2 इंच यहाँ पर मैंने कट किया है छोटा सा। इसमें छोटा पहले ही होल हो रखा था, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखा रही हूँ। तो सेंटर पे मैंने होल कर लिया है, और मैंने ले ली है एक साड़ी, ठीक है। तो अधिकतर हमारे पास साड़ियाँ पड़ी होती हैं, और हम इसको इस तरीके से हैंग कर रहे हैं। यहाँ पर मैंने हैंगर ले लिया है, और इस तरीके से मैं इसको डाल रही हूँ, और जो छोटा सा छेद हो रखा था इसमें, जो मैंने होल किया है कट करके, चाहे तो पहले पड़ा हो उसमें, ख़राब हो रखा हो या ठीक हो, तो हम इस तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारा सारी ऑर्गेनाइज़र तैयार हो गया है, इसको भी हम आगे कैसे यूज़ करेंगे मैं यहाँ पर दिखाऊंगी। तो यहाँ पर हम देखेंगे ये कपड़े मैंने सारे हैंग कर रखे हैं। गाइस, जब हम किराए में रहते हैं या हमारे पास कोई ऐसी सुविधा नहीं होती है, तो हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं मैंने ये सारी ऑर्गेनाइज़र और टॉप क्लोथ ऑर्गेनाइज़र दोनों यहाँ पर हैंग कर दिए हैं। यहाँ देख रहे हैं इसमें कोई डस्ट नहीं लगेगी, कोई धूल नहीं चढ़ेगी, और हम इसको यहाँ पर टांग करके तैयार कर लेंगे। सारे जैकेट्स वगैरह हमारी टंग रही है। तो आइए हम अपने फोर्थ आइडिया की ओर चलते हैं, और ये आइडिया भी बहुत ही अच्छा है, बहुत ही धमाकेदार आइडिया है। तो गाइस, वीडियो स्किप ना करें, वीडियो में लगातार बने रहें।
तो यहाँ पर आप देख रहे हैं मैंने एक शॉपिंग बैग ले लिया है और इसको मैंने उल्टा कर लिया है। और इस शॉपिंग बैग में एक खास बात है, ये मैंने उल्टा तो कर लिया है लेकिन इसमें एक खास बात है कि इसमें हैंडल्स लगे हुए हैं। इस शॉपिंग बैग में हैंडल्स बने हुए हैं और इसको हमने इस तरीके से फोल्ड कर लिया है, डबल फोल्ड कर लिया है, ठीक है। अब डबल फोल्ड करने के बाद आप देख रहे हैं अंदर साइड में आधा आ गया और बाहर साइड में भी आ गया, तो ये डबल फोल्ड हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको पिन कर लेंगे, ठीक है। जो बीच में आया है साइड उसको हम क्या करेंगे, पिन कर लेंगे, ठीक है, पिन अप कर लेंगे। और ये यहाँ से भी जो आ रहा है यहाँ पर भी हम पिन कर लेंगे, चाहे तो एक साथ भी पिन कर सकते हैं, चाहे तो हम अलग अलग लेयर में भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर पिन अप कर लिया है और ये बैग रेडी हुआ है। लेकिन अभी मैं इसका यूज आपको दिखाऊंगी और बहुत ही अच्छा यूज है, वीडियो स्किप ना करें गाइस। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसमें जो भी हमारे ऐसे पेपर्स होते हैं, किताबें होती हैं, छोटी मोटी गैस की किताब, बैंक की किताब, इस तरीके से हम इसको ऑर्गेनाइज करके रखेंगे, या शादी के लिफाफे हैं, या फिर छोटी मोटी हमारी चीज़ें हैं यूज़ की, जो डेली यूज़ हम कर सकते हैं, तो उसको हम बार बार इधर उधर खकोड़ते रहते हैं, ढूंढते रहते हैं। या फिर हमारे क्राफ्ट का सामान होता है कुछ छोटा मोटा, बेबीज़ का, बच्चों का, कुछ ना कुछ ऐसा काम होता है, कागज़ होते हैं जिससे वो अपना क्राफ्ट का काम करते हैं और उसको हम सेफ करके सही से नहीं रख पाते हैं। तो इस तरीके से हम इसको सेफ करके रखेंगे और इसमें अलग अलग पोर्शन बने हुए हैं जो चाहे हम इसको हैंग भी कर सकते हैं। तो गाइज आइए बढ़ते हैं फिर अपने फिफ्थ आइडिया की ओर, और ये भी बहुत ही अच्छा आइडिया है, तो वीडियो स्किप ना करें, एक बार जरूर देखें। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये मैंने शॉपिंग बैग ले लिया है और इसको भी मैंने उल्टा कर लिया है, ठीक है। तो यहाँ मैंने उल्टा कर लिया इसको, और उल्टा करने के बाद मैं इसको इस तरीके से फोल्ड कर रही हूँ, सेम डबल फोल्ड कर रही हूँ। डबल फोल्ड करने के बाद हम इसको इतना फोल्ड करेंगे जहाँ से हमें पकड़ना है वहाँ से तक हमें फोल्ड करना है, ठीक। आप वीडियो में बने रहें, ध्यान से देखें कि मैंने यहाँ तक फोल्ड किया है कि हम इसको पकड़ के उठा सकें। और यहाँ पर देख रहे हैं मैंने इसको फोल्ड कर लिया है, अच्छे से डबल फोल्ड कर लिया है, और इसके बाद मैं इसको किनारे किनारे पिन अप कर रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हम पिन कर लेंगे और दूसरी साइड में भी हम पिन कर लेंगे, यहाँ भी मैंने पिन कर लिया है। अभी हम आ जाएंगे दूसरी साइड में, यहाँ पर ये तैयार हो गया, लेकिन ये यहाँ जो बीच में है, बीच की जो साइड है इसको भी हम पिन कर लेंगे, नहीं तो ये घसक जाएगा, ठीक है। तो इसको भी हम क्या करेंगे, पिन कर लेंगे। मैं पिन करके आपको दिखा रही हूँ, आपने इसी प्रकार से कर लेना है। और ये हमने पिन कर लिया, इसमें पिन अप कर लिया, ठीक। अब ये हमारा ऑर्गेनाइजर यहाँ पर तैयार हो गया है, लेकिन मैं आपको इसका यूज़ दिखा रही हूँ। यहाँ पर छोटी मोटी चीज़ें हैं, शीशा है, लिफाफे हैं, और छोटी सी चीज़ें हैं, कागज़ हैं कुछ ऐसे जो हमें यूज़ में आने वाले हैं, खोए ना, ताकि हम उसको सेव करके इस प्रकार से रख सकते हैं। साथ ही एक ही यूज़ और है आपका, यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ, ये सब मैंने इसमें ऑर्गेनाइज करके रख लिया है, ऑर्गेनाइज़र हमारा ये रेडी हो गया है, लेकिन इसका यूज़ हम कर सकते हैं। एक हमारे पास ये मान लीजिए ये टोट बैग है, और इस टोट बैग में हम इस तरीके से इन पेपर्स को, इन किताबों को, छोटी मोटी को ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। तो गाइस कौन सा आइडिया अच्छा लगा और कौन सा ऑर्गेनाइज़र आपको अच्छा लगा है, तो आप कमेंट करके मुझे बताएं, ताकि मुझे अच्छा लगे और हौसला मिले कि मैं आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियोस तैयार करूं। तो गाइस मैं आपको बता दूं, मेरे चैनल पर आपको बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस मिल जाएंगी बैग से रिलेटेड और रीयूज ओल्ड क्लोथ से रिलेटेड। गाइस अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आसान तरीके से बैग बनाना चाहते हैं या चैनल चलाना चाहते हैं, तो आप मेरी वीडियो से हेल्प ले सकते हैं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि सारे नोटिफिकेशंस आपको टाइमली मिल जाएगा। इस आई बटन में मैंने आपके लिए वीडियो शेयर कर दी है, साथ ही एंड स्क्रीन में भी आपके लिए वीडियो शेयर कर दी है, यहाँ से भी आप क्लिक करके मेरे चैनल की और भी वीडियोस देख सकते हैं। तो गाइस फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।